Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel TNM Hub and I am back with a food review. So जी आज हम लेने वाले हैं अरीना के रेस्टोरेंट रंगोली के बुफे का रिव्यू. एंड अगर हम बात करें द टाइमिंग्स आर 1:30 to 3:30 एंड द प्राइस ऑफ द बुफे इज 1850 पर पर्सन विद ए कॉम्प्लीमेंट्री गेम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड डील. आप खाना एंजॉय करने के बाद आप अपना खाना हजम करने के लिए गेम किए जा सकते. ये इनका चाइनीज़ कॉर्नर है जिसमें हमारे पास चिकन मंचूरियन था, फ्राइड राइस थे, मशरूम चिकन भी था और हमारे पास प्रॉन्स भी. ये इनका हमारे पास जो है वो सॉसेस का कॉर्नर आ जाता है विद अलॉन्ग विद इट्स सैलड बार. जैसे हम एंटर होते हैं तो हमारे पास एक सॉसेस का कॉर्नर और हमारे पास जो है ये सैलड बार आ जाता है. बड़ा ही मज़े का था. मैंने जो स्टार्ट किया था मैंने वो चाइनीज़ से स्टार्ट किया था एंड चाइनीज़ वॉज टू सॉल्टी. आई डिडंट लाइक इट एट ऑल. अगर हम स्वीट बार की बात करें स्वीट्स की तो बहुत डिफरेंट किस्म के केक्स थे, मूज थे, हमारे पास लबे शीरी थी और ये आपको अपने बुफे के साथ एक सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये आपको ड्रिंक भी देते हैं. अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर इट. आपको वो अलग जो है उसके लिए पे करना होता है. ये जो है मैं जैसे कि मैंने बताया चाइनीज़ वॉज टू सॉल्टी. आई डिडंट लाइक इट एट ऑल क्योंकि ना चाइनीज़ का जो एक अपना टेस्ट होता है दैट वाज मिसिंग. बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी ग्रेवी में नमक था और आप ये कह सकते हैं कि मेरा स्टार्ट ही अच्छा नहीं हो पाया और मैंने थोड़ा रिग्रेट अवॉइडेड अ स्टार्ट विद चाइनीज़. फिर इनके बुफे में जो है वो गोलगप्पे भी थे जो आपको ख़ुद बनाने थे लेकिन उनकी चटनी बहुत मज़े की थी. ये जी हमारे पास आ जाता है क्रीमी मूज. ये हमारे पास जो था वो ऑरेंज मूज था और वो हमारे पास चॉकलेट मूज था. मूज में अगर हम तीनों मूज में बात करें तो मुझे जो है वो चॉकलेट मूज बहुत पसंद आया था पर्सनली. द ऑरेंज मूज ऑब्वियसली उसमें एक सार टेस्ट था बट ओवरऑल इट वॉज़ गुड. लबे शीरी भी थी हमारे पास, खीर भी थी हमारे पास. तो स्वीट एज कम्पेयर टू जो है अगर हम दूसरे खाने की बात करें वॉज बेटर इन टेस्ट ऑल्सो. तो हमारे पास जो है वो बारबेक्यू भी थी और बारबेक्यू में हमारे पास दो चीज़ें थी. एक हमारे पास जो है वो सीख कबाब थे और हमारे पास विंग्स थी. दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा था. स्वीट में हमारे पास जेली भी थी. जेली यू नो एज जेली इज़ हमारे पास जो है यहाँ पर क्रीम कैरमल भी था हमारे पास. हमारे पास गुलाब जामुन भी थे और ये हमारे पास हलवे हैं दो किस्म के जो कि मुझे बहुत पसंद. ये हमारे पास मिठाई भी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा मीठा. जैसे कि मैंने कहा कि मीठा बेहतर था इनका. तो अगर आप ओवरऑल बुफे की बात करें तो आई गेस इसमें एक फ़न पार्ट गेम ही था बाकी सिवाय उसके खाने के. तो आई गिव इट 6 out of 10. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सजेस्ट मी कि मैं कौन सा नेक्स्ट बुफे ट्राई करूँ फॉर यू गाइज. एंड बाय.